हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी बेट एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से एक अलग से प्ले लिस्ट होगी। इन क्लासेस की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी जो है सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, एंड 1:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। साथ ही अगर आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा कंप्लीट सिलेबस नोट्स चाहिए तो ये आप लोग हमारा परचेज कर सकते हैं। 2022 में बहुत सारे स्टूडेंट स्क्रैच से जो है पढ़कर अपना जो एडमिशन है सरकारी कॉलेज में लिए हैं। इसमें आपको हिंदी, GK, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। 500 पेज की ये निचोड़ नोट से सरकारी सीट लेना है तो इस क्रैश कोर्स को दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। मात्र इसका जो प्राइस रखा गया है 149 रुपये रखा गया है, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, पहचान का तत्सम शब्द आपको बताना है। सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का है, पहचान का तत्सम शब्द क्या है ये आपको बताना है। और पिछली क्लासेस को आप लोग जरूर देखा करें, ठीक है। और भी डिटेल में वीडियोज़ देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट को विजिट करें। पहचान का तत्सम शब्द बताएं सभी लोग। पहचान का तत्सम शब्द है प्रत्याभिज्ञान हो गया, ठीक है। प्रत्याभिज्ञान ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रभुत्व का तद्भव शब्द, मैं बता दूं जितना भी हिंदी में जो है सिलेबस है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, एक एक टॉपिक वाइज में क्लास लूँगा पूरी, ठीक है। बिल्कुल फ्री में क्लासेस होंगी इसी चैनल पे। तो बस 2023 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार कहता हूँ तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। प्रभुत्व का तद्भव बताएं। तत्सम तद्भव से एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है, दो नंबर के हो गए आपके। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो प्रभुत्व का तद्भव है पहुंच, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहनोई शब्द का तत्सम शब्द बताएं। बहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? बहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ। और भी बेहतरीन बेहतरीन ऐसे ही मैं डेली क्लासेस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और बहुत ही जल्द जो है इसकी टॉपिक वाइज ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उससे आप लोग नोट्स बनाइएगा अपनी, ठीक है। तो बहनोई का तत्सम शब्द, और मैं बता दूँ ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये 2016 के एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे 25 क्वेश्चन, ठीक है। और 25 क्वेश्चन अभी इसमें का और करवाऊंगा। तो बहनोई का तत्सम शब्द भागनी पति है, तो आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप बताएं। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बिच्छू हो जाएगा, ठीक है। बिच्छू ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है बताएं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? 55 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सही नहीं है? अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, अव्यय आविकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, क्रिया विशेषण आविकारी होते हैं, तो इसमें ये सही नहीं है। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। चलिए, ए वाला आपका करेक्ट हो गया। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है ये आपको बताना है। बताएं सब लोग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, परिणामवाचक, समुच्चय बोधक या कारणवाचक? 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा। तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? कारणवाचक, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, आम मीठा है, समोसे ताजे बन रहे हैं, तो किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है ये आपको बताना है। निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? इसमें नहीं है, ठीक है, आम मीठा में, बाकी सभी में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ओके, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं क्या? जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं क्या? कारक, काल, अव्यय या क्रिया विशेषण? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं क्या?
वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बीएड की जो भी अपडेट आए और डेली जो क्लासेस होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे और फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका जो फॉर्म है वो आ जाएगा। तो जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बताएं, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह मन से पढ़ता है, तब की बात कुछ और थी, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, वह चुपचाप से चला गया। तो इसमें जो है क्रिया विशेषण का जो है अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? बताएं, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस वाक्य में क्रिया विशेषण नहीं है? राम जाता है, इसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? 61 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? तो इसमें है मानसिक दशा सदा काल से चली आ रही है, इसमें जो है क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से जो है प्रयुक्त है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संस्कार का संधि विच्छेद आपको बताना है। संस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और बीएड से रिलेटेड आपके मन में डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज भी हमें कर सकते हैं 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स आपको नहीं करना है, कॉल्स किसी की भी रिसीव नहीं होगी। ठीक है, तो आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, संस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शमधनकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उद्गम में उपसर्ग बताएं, उद्गम में उपसर्ग बताएं, उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। उत होगा या उद होगा या ये उद होगा ये उत होगा, तो उद्गम में जो उपसर्ग है ये उत उपसर्ग है। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। संस्करण में उपसर्ग कौन सा है? बताएं, संस्करण में उपसर्ग बताएं आप लोग। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। संस्करण यहाँ पे मुझे संस्कार हो गया है, शम उपसर्ग। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौ की गिनती को कहते हैं क्या? शतक, सती, शताब्दी या प्रतिशत। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सौ की गिनती को कहते हैं क्या? तो सौ की गिनती को कहते हैं शतक। क्या कहते हैं? शतक कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है क्या? बताएं, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है क्या? वज्रबटुक, ब्रह्मासारी, अंतेवासी, गुरुकुल। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है क्या? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सरकारी सीट लेना है तो आपको कम से कम 400 में से 250 प्लस नंबर लाना पड़ेगा। 250 भी ले आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और तैयारी आप लोग अपनी अभी से शुरू कर दें, नहीं बाद में आप लोग पछताएंगे जब फीस भरना पड़ेगा। 51,000 फर्स्ट ईयर की फीस होती है, सेकंड ईयर की 30,000 फीस होती है। सरकारी कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो मात्र 2,000 से 2,500 फीस होती है इसकी, फर्स्ट ईयर की भी सेकंड ईयर की भी। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंतेवासी। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी तैयारी कर लीजिए, ठीक है, मौका है आपके पास, समय है आपके पास। परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? 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 जिसे उपेक्षापूर्वक छोड़ दिया गया हो, इसके लिए सही अर्थ है। परिव्यक्त का सही अर्थ है जिसे उपेक्षापूर्वक छोड़ दिया गया हो। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेंस्तरा किस भाषा का शब्द है? रेंस्तरा जो है किस भाषा का शब्द है? रेंस्तरा किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इसमें परि उपसर्ग है, इसमें निर उपसर्ग है, इसमें सु उपसर्ग है, वृहत्तर में आपका उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लिप्साप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिप्साप शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय, सा प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं, या स प्रत्यय? तो श प्रत्यय है लिप्सा में, ठीक है। ऑफनेस का जो आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या है? धोखा देना, खुशामद करना, या इनकार करना, या आदर प्रकट करना? अंगूठा दिखाना का अर्थ बताएं, अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाना का अर्थ है धोखा देना, ठीक है। क्या देना? धोखा देना। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोबर गणेश होना मोहरे का अर्थ क्या है? गोबर गणेश होना मोहरे का अर्थ क्या है? किए धरे का पानी पर फेरना, गोबर की पूजा करना, गड़बड़ करना, या बेवकूफ होना? गोबर गणेश होना मोहरे का अर्थ क्या है? बेवकूफ होना, ठीक है। ऑप्शन इसका जो आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्न जल जो है कौन सा समास है? अन्न जल में द्विगु समास है नहीं, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव द्वंद्व समास कौन सा है इसमें बताएं? अन्न जल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाहे समास हो, संधि हो, ठीक है, रस, छंद, अलंकार, एक एक टॉपिक वाइज क्लास होगी इस चैनल पे। तो बस एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा? 74 का जवाब दें, जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा? विधुर हो जाएगा, ठीक है, विधुर। सी आला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए जो है सही शब्द का चयन करना है। इसमें भी आपको जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसके लिए शब्द क्या होगा? जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसके लिए शब्द क्या होगा? नास्तिक होगा। क्या हो गया? नास्तिक। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। किए गए आशानों को जानने समझने मानने वाले के लिए शब्द क्या हो जाएगा? सुविज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ, या विज्ञ। तो जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम इसको जरूर देगा। और ऐसी डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सरकारी सीट लेना है तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। कम से कम डेली मेरी क्लास ही आप लोग देखा करें, इससे ही आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर देगा अपना फीडबैक। और ये क्रैश कोर्स को भी आप लोग परचेज कर लें, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है। रामबाण नोट्स हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं जाके। थैंक यू सो मच।